हेलो फ्रेंड्स, आज एक और स्पिरिचुअल रिलेटेड टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक सुन के ही आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। सो आज का टॉपिक है कि स्पिरिचुअल एग्ज़ाम इज़ वे वे मोर टफर दैन इंडिया और वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम। अभी आज का जो टॉपिक जो मैंने बोला है कि स्पिरिचुअल एग्ज़ाम इज़ वे मोर टफर दैन इंडियाज टफेस्ट एग्ज़ाम और वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्ज़ाम। मान लीजिए अभी इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम कैट है, IIT है, कोई भी वर्ल्ड का जितने भी वी आई थिंक मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे टफ एग्ज़ाम चाइना में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए काओकाओ एग्ज़ाम ऐसा कुछ तो है, आई एम नॉट श्योर। जितने भी वर्ल्ड के टफ एग्ज़ाम हैं, स्पिरिचुअल एग्ज़ाम के सामने कुछ भी नहीं है। अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में हार्डवर्क तो करते हो, मान लीजिए जो भी एग्ज़ाम है कैट है IIT है, हार्डवर्क तो यूज़ करते हो, लेकिन आप ब्रेन भी यूज़ करते हो, उसमें माइंड का कुछ हिस्सा उसमें एफर्ट डालते हो प्रिपेयर करने के लिए, दिन रात जागते हो, कितना जागोगे, जाग के भी कितना, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जागोगे, प्रैक्टिस करोगे, लेकिन उसके बाद क्या, फिर से आप ढीले पड़ जाओगे क्योंकि वो प्रैक्टिस छूट जाएगी। लेकिन स्पिरिचुअल एग्ज़ाम ऐसा है, निरंतर प्रैक्टिस है, निरंतर एग्ज़ाम है, और इसमें सिर्फ आप ब्रेन ही नहीं ब्रेन और माइंड और हार्ट तीनों आपके ऑन द लाइन लगे हैं। सबसे ज़्यादा तो माइंड जो है आपका ब्रेन के भी ऊपर है, माइंड पूरा इन्वॉल्व होता है उसमें। माइंड से ही कंसर्न होता है स्पिरिचुअल एग्ज़ाम का, क्योंकि उसमें आपको के इमोशंस जो है, थॉट प्रोसेस जो है, उसको टैकल करना होता है, उसे समझना होता है, उसे अपने आप पर हावी देना नहीं होता है। इतनी बड़ी एग्ज़ाम है ये, उसके सामने वर्ल्ड कोई भी टफ एग्ज़ाम ले लो, सब फेल है उसके सामने। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि इमोशंस आपको अंडर कंट्रोल रखने, थॉट प्रोसेस अंडर कंट्रोल रखने, वो इतना टफ है कि अच्छे अच्छे जो है घसर जाते हैं इसमें, फिसल जाते हैं इसमें। स्पिरिचुअल एग्ज़ाम ऐसी है, तो यदि आपने कुछ शास्त्र पढ़े होंगे, पुराण पढ़े होंगे, उसमें आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े सिद्ध पुरुष या बड़े बड़े संत आत्मा या बड़े बड़े ऋषि मुनि फिसल गए या अपनी साधना में फेल हो गए। तो ऋषि मुनि थे वो, तो दे वेर ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, वो अगर फेल हो गए थे आप, तो आप जो एग्ज़ाम जो दे रहे हो उसकी क्या औकात है आपकी, मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, इट्स ज़ीरो कंपेयर टू स्पिरिचुअल एग्ज़ाम। और जो स्पिरिचुअल एग्ज़ाम में पूर्णतः पास हो जाता है, उसके लिए वर्ल्ड की एग्ज़ाम कोई भी कितने भी टफ एग्ज़ाम हो, एकदम मतलब चिल्लर है, मतलब कुछ भी नहीं उसके सामने है। या सालों की साधना लग जाती है माइंड को अपने अंडर कंट्रोल करने में, माइंड को समझने में, अपने थॉट प्रोसेस इमोशंस को समझने में। सो यही है आज का, मतलब कुछ एक्सप्लेन करना था कि इतने एग्ज़ाम्स आप देते हो, थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल एग्ज़ाम्स पे भी अगर आप ध्यान दो तो आपका मेंटल फैकल्टी जो है, माइंड जो है आपका एकदम एफिशिएंटली रन करेगा, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस और जो इमोशंस है वो अंडर चेक रहेंगे आपके।
ठीक है, आप प्रिपेयर करते हो, नो मतलब कोई इशू नहीं है, एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो, आप अपने गोल्स पे ध्यान देते हो, बस इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय आप स्पिरिचुअलिटी के लिए भी निकालिए, स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को समझिए, अपने थॉट प्रोसेस और इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए। एग्जैक्टली जब आपके मन में कोई थॉट आता है, कोई इमोशंस अराइज होता है, तो देखिए उसे, बस ऑब्जर्व कीजिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके माइंड में, थॉट कब आता है, कब आपको एक्साइट करता है, कौन सा इमोशन आपको एक्साइट करता है, कौन सा इमोशन आपको सैडनेस में डालता है, कौन सा इमोशन आपको ब्लिस देता है, कौन सा इमोशन मतलब उस डर की अनुभूति, मतलब जो फियर है वो क्यों कैसे आपको अनुभूति देता है, ये सब ऑब्जर्व करने की बातें हैं। और ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, वर्ल्ड्स मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है स्पिरिचुअल एग्ज़ाम, नॉट IIT, नॉट CAT, नॉट काउ, कोई भी एग्ज़ाम इसके सामने चिल्लर है। तो यही जस्ट मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेंटल या स्पिरिचुअल जो भी आपके एग्ज़ाम है उस पर अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया, फोकस किया, तो बाकी एग्ज़ाम आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे इजीली। क्योंकि माइंड जब एफिशिएंटली रन करता है तो कंसंट्रेशन जो है, वन पॉइंटेड या फोकस्ड माइंड जो है वो, किसी भी एक टॉपिक पे अगर आपको कंसंट्रेट करना तो वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये बहुत कम लोग समझते हैं, जो आप मेरी तरह जो कोई स्पिरिचुअलिटी में होगा तो वही समझ सकता है कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, रिलेट कैसे कर सकता हूँ माइंड ब्रेन और हार्ट को। तो आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, मैं ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और शंकु से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं बात करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।